foodies, welcome to my channel Poo Vlogs. कैसे हैं आप सब? मैंने सोचा समर आ गया बट स्टिल अभी बारिश गिर रहा है मंजुली में. लविंग दिस वेदर. मनी मुनी पत्ते के साथ हम लोग चिकन करी बनाने वाले हैं जिसको मैंने नाम दिया है हरियाली चिकन. इसका इतना सारा हेल्थ बेनिफिट्स है एंड अगर आप इसको चिकन के साथ एड करके खाओगे जो आपका चिकन करी का न्यूट्रिशियस वैल्यू है वो इंक्रीज होके डबल हो जाएगा. यू नो लोटस का पत्ता जैसा है, बहुत ही छोटा क्यूट सा है और अभी इतना सीजन चल रहा है इसका. इंग्लिश में इसे बोलते हैं पेनीवर्ट. यूजुअली आपके घर के बैकयार्ड में थोड़ा स्वैम्पी एरियाज में गोबर के आसपास ये बहुत सारा निकलता है. ये ट्रीट करता है स्टमक अल्सर, यूटीआई डिजीज होता है, रेस्पिरेटरी सांस लेने में जिसको तकलीफ होता है. समर का सीजन आ रहा है, बीमारियों का सीजन आ रहा है तो इसीलिए व्हाई नॉट मेक सम हेल्दी रेसिपी. ठीक है, तो आज मैं आपको बताती हूँ कि हरियाली चिकन कैसे बनाते हैं. मैंने सारा इंग्रेडिएंट्स रेडी कर दिया है और मानी मुनी पत्ते को अच्छे से वॉश कर लिया है. वो रूम पे लाइट चला गया तो मैं यहाँ पे आ गई. तो रेसिपी शुरू करते हैं. सबसे पहले हम लोगों को चिकन को मैरिनेट करना है. चिकन मैरिनेशन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप होता है गाइस. तो सबसे पहले मैं ऐड करने वाली हूँ जिंजर और गार्लिक जो मैंने ग्राइंड किया है, कश्मीरी लाल मिर्च, 2 स्पून जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, सॉल्ट आपके टेस्ट के हिसाब से और अब मैं डालूंगी दही जिसको मैंने पानी फेंक दिया है और अब देखिए कितना गाढ़ा हो गया है ये दही. तो 2-3 चम्मच मैं अपने हिसाब से डाल रही हूँ एंड सबसे लास्ट में मैं डाल रही हूँ सरसों का तेल. अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और 10-20 मिनट्स के लिए मैरिनेशन के लिए रख देंगे. सबसे पहले गरम तेल में हम लोग डालेंगे जीरा और साथ में मेथी और रेड चिलीज. जब भी मैं नॉन वेज के साथ कुछ पत्ते वाला चीज बनाती हूँ जैसे कि पालक, मेथी, मानी मुनी पत्ता ही ले लो, तो मैं मेथी जरूर ऐड करती हूँ. अब मैं डालूंगी कटा हुआ प्याज जिसको हमें हल्का ब्राउन होने तक भूनना है. तो बहुत सारा प्याज मैंने डाला है ताकि हमें ग्रेवी, अच्छा थिक ग्रेवी चाहिए. अब हम लोग डालेंगे हल्दी और साथ में कुटा हुआ लहसुन अदरक, उसके बाद जो मैरिनेट किया था चिकन वो भी हम डाल देंगे. मैरिनेटेड चिकन डालने के बाद हमें इसको अच्छे से भूनना है और हाँ, आप टमाटर पहले भी डाल सकते हैं, बाद में डाल सकते हैं. अब मैं टमाटर डालने वाली हूँ और यहाँ पे मैंने 1 होल टमाटर डाला है बारीक कटा हुआ. गाइस मेरा क्योंकि कढ़ाई नया है, अभी तक अच्छे से नॉन स्टिक नहीं हुआ है तो इसलिए चिपक रहा है, तो मैंने पानी थोड़ा डाल दिया. उसके बाद पानी को मैं पूरा सुखाऊंगी, फिर बाद में जो ग्रीन पेस्ट है वो ऐड करूंगी. तो ये देखिए, ये है फ्रेशली वॉश्ड मानी मुनी पत्ता. इसका हम लोगों ने अच्छे से पेस्ट बना दिया है और कितना कलरफुल एंड हेल्दी लग रहा है. तो मेरा चिकन 90% कुक हो गया है और इसका जो ग्रेवी है वो भी बहुत थिक हो गया है. तो अब मैं डालने वाली हूँ ब्लैक पेपर पाउडर. ब्लैक पेपर पाउडर यानी कि काली मिर्च पाउडर एक तीखापन ऐड करता है, स्टिल आपके स्टमक को इतना हर्ट नहीं करता है. अब थोड़ा सा धनिया हम लोग ऐड कर देंगे, फिर हम लोग डालेंगे हमारा मानी मुनी का पेस्ट. ग्रीन कलर को प्रिजर्व करना है तो उसके लिए आप एक इंग्रेडिएंट डाल सकते हैं जो कि है चुटकी भर
बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा को डाल के अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद सबसे लास्ट में हम लोग फिनिशिंग टच करेंगे बाय एडिंग कसूरी मेथी। अब हमारा जो ग्रीन पेस्ट का करी बना है उसको थोड़ी देर थिक करने के लिए हम और पकाएंगे। एंड ये देखिए आपका हरियाली चिकन रेडी है खाने के लिए। आप इसको राइस के साथ खा सकते हैं, रोटी के साथ खा सकते हैं। मैं प्रिफर करती हूँ राइस के साथ खाना बिकॉज आई लव ग्रेवी विद राइस। तो ज़रूर एंजॉय कीजिएगा हमारा हरियाली चिकन विद मानी मुनी पत्ता। You have to subscribe to my channel Poo Vlogs and आप मुझे Instagram पे follow कर सकते हैं। सारा link मैंने description में दिया है guys, do check it out। Thank you so much for watching today's recipe। आप जरूर try कीजिएगा and Instagram पे डालिए, बनाइए, मुझे tag कीजिए। फिर से मिलती हूँ मैं कल परसों आपको with another brand new recipe। तब तक के लिए bye guys, love you all।